बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरी यूट्यूब फैमिली के तमाम मेम्बरान को मेरी जानिब से बहुत ज़्यादा सलाम, दुआएं और बहुत ज़्यादा प्यार मेरे बच्चों को। तो और सुनाएं, आप लोग कैसे हैं, क्या हाल चाल है? अल्लाह पाक का शुक्र है, माशाल्लाह से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो इस वक्त मौसम माशाल्लाह अच्छा हो रहा है, प्यार हो रहा है, कुछ धूप निकली हुई, कुछ छाएँ, कुछ धूप है। और इस वक्त मैं करने लगी हूँ अपने किचन का काम। तो चले फिर चलते हैं किचन में, तो आप देखें सामने खोपरे का दृश्य माशा कितना प्यारा लग रहा है। तो चलते हैं किचन में और अपना शुरू करते हैं काम। तो चले फिर, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, तो चले फिर चलते हैं किचन में, शुरू करते हैं अपना काम। पहले करते हैं स्लिप की सफाई और साथ में कर लेते हैं चूल्हे की सफाई वगैरह। चूल्हे तो माशाल्लाह रोज़ साफ होता है डेली, क्योंकि चाय और दूध वगैरह, अल्लाह शुक्र चाय नहीं गिरती, कभी कभार बहुत कम गिर जाए तो गिर जाए, थोड़ी सी मतलब नहीं करती, क्योंकि पास ही खड़ी होती हूँ मैं जो चाय वगैरह बन रही होती है। और दूध भी नहीं गिरता, अगर दूध ज़्यादा गिरे और चाय गिरे तो फिर चूल्हा का सत्यानाश हो जाए। लेकिन ये कि कभी कभार हल्का सा चाय भी गिर जाती है, दूध भी गिर जाता है। तो बहरहाल रोज़ाना रोज़ाना माशाल्लाह सफाई होती है इसके डेली, और दिन में कितनी बार होती है इसकी सफाई चूल्हे के पास। ज़ाहिर खाना पकाने वाली जगह खाना पकता है, इस पर तो बार बार गंदा होता है। और जब ये जो होते हैं ये वाले मतलब चीज़ें ज़्यादा ख़राब हो जाएँ, मतलब वैसे भी ये जल जाते हैं, मतलब कभी कभार ऐसे जले जले निशान होते हैं इस पर। और इस पर मैं कोई चीज़ नहीं यूज़ ही नहीं करती इसको मैं, लेकिन इस पर भी जब सालन बनाती हूँ, कोई चीज़ बनाती हूँ, ऑयल इसके ऊपर उड़ के गिरता है, तो फिर वो स्टील से ना रोज़ाना मतलब इसको भी साफ़ कर लेती हूँ, इसको भी साफ़ कर लेती हूँ। जैसे कुछ जैसे साफ़ है तो मैं सिर्फ ये तौलिया सर्फ से साफ धो के लगा लूँगी, साफ़ कर लूँगी। लेकिन ज़्यादा ख़राब हो ना ये, मतलब काला हो ये भी, फिर उनको स्टील से मांजती हूँ, मांज के फिर उसके बाद साफ़ करती हूँ। तो रोज़ाना माशाल्लाह चूल्हा तो साफ़ होता है, ज़ाहिर स्लिप वगैरह भी साफ़ होती हैं। तो फिर सारा दिन माशाल्लाह सफाई होती रहती है, अल्लाह का शुक्र है। मैं जितनी बार बर्तन धोती हूँ ये जगह धोती रहती हूँ।
बर्तन वगैरह धो लिए, हम डाल लेते हैं कूलर में बर्फ। कूलर में बर्फ डाल लिए, जैसे कि आप देख सकते हैं, और इस बर्तन जैसे ही भर के रख लेते हैं और इसके ऊपर दे देते हैं ढक्कन। कर लेते हैं ग्रिल की सफाई। रोज़ाना ग्रिल की सफाई करते हैं, लेकिन पता है ये खुली जगह ना तो मिट्टी उड़ के आती है, तो रोज़ाना मिट्टी में मीट हो जाता है। एक बेचारी अलग सफाई करती है, मैं अलग करती हूँ, कभी वो करती कभी मैं। तो ये मिट्टी उड़ के आती बहुत ज़्यादा। नीचे जो सीढ़ी है ना उसके भी करूँगी जाके भी। नीचे की सीढ़ी में भी कर लेते हैं सफाई। तो जैसा कि आप देख सकते हैं किचन माशाल्लाह मैंने साफ शफाफ कर लिया, अपना चूल्हा भी साफ कर लिया है और स्लिप पेन भी साफ कर ली, बर्तन भी धुल गए, बेसन भी धो लिया माशाल्लाह से, साफ सुथरा कर लिया और बर्फ़ भी डाल लिया और बाहर ग्रिल भी साफ करके आ गए। तो अब चाहूँगी आपसे इजाज़त, फिर मिलती हूँ किसी नए ब्लॉग में किसी नए रूटीन के साथ। सत्ता के लिए इजाज़त दें और अपना अपने प्यारों घर का ख्याल। तो अब लगी बहुत शदीद प्यास, साथ में पीती हूँ ये जूस, और ये मुझे पसंद नहीं है, मुझे मैंगो का जूस लेकिन बस पी लूँगी क्योंकि एनर्जी चाहिए, और साथ में पीऊँगी पानी का गिलास। तो चलें फिर इजाज़त दें मुझे, अल्लाह हाफिज़। बस अल्लाह पास ही दुआ करते हैं, जा रहे हैं, खुश रहें, आबाद रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह ने के बान, फिर मिलते हैं।